हाय एवरीवन इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट uh, टॉपिक जो हमारा इसी चैप्टर uh, का जो तीसरा पार्ट uh, है ये वीडियो इसमें हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ़ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़ के बारे में ठीक है जो बाकी डेमोक्रेसीज़ है यानी बाकी कंट्रीज़ है वहाँ पे इक्वालिटी के रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हुए हैं तो लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें एक यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल दिया गया है यानी बी आर अम्बेडकर जो हमारे थे यानी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यून असेंबली भी जिनको बोला जाता है या फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने कुछ लिखा है तो हम पहले ये देखेंगे ये क्या ये क्या बता रहे हैं ठीक है थीके? और ये जो दलित्स हैं ना जो जिनके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है जो कम्युनिटी है उनके ये लीडर थे ठीक है इट इज़ डिस्क्रेसफुल डिसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट यानी ये बोलते हैं कि एक के मतलब एक ऐसा मतलब ये ऐसी कंट्री सोसाइटी में रहना या ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे आपकी मतलब जो आपका आत्मसमान है उसको ठेस पहुँचाया जाए ये आपके लिए सबसे मतलब शर्मनाक चीज़ है ठीक है ये आपके लिए मतलब सबसे मतलब शर्मनाक चीज़ है ठीक है यानी कभी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको जहाँ पर इज़्ज़त आपकी खोई जाए खोनी पड़े ठीक है सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ जो सेल्फ रिस्पेक्ट है यानी आत्मसमान एक जिंदगी का मतलब सबसे अहम हिस्सा है विदाउट इट इसके बगैर मैन इज़ अफ़र यानी इसके बगैर एक इंसान ज़ीरो है एक इंसान इज्जत या आत्मसम्मान के बग़ैर एक इंसान कुछ भी नहीं है टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट यानी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ रहना वन हैज़ टूरकम ओवरकम डिफिकल्टीज यानी कोई भी अगर अपनी मतलब आत्मसम्मान के साथ अच्छे से रहना चाहता है तो उसको बहुत सारी उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब वो उनको ओवरकम करता है तभी उसको सारी सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है इज़्ज़त मिलती है इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड तो एक लंबा प्रोसेस बहुत लंबी जदोजहद है ये अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए इसके लिए आपको बहुत लंबी एक स्ट्रगल करनी है एक जदोजहद करनी है तभी आपको ये मिलती है ठीक है तभी आपको सारे लोग लोग आपको मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ है ये ये इंसान कुछ है ये आपको वो मानने लगते हैं जब आप उसके लिए एक स्ट्रगल करते हो देन मैन इज़ मॉटल यानी एक इंसान कुछ भी नहीं है एक इंसान अगर इस दुनिया में आया है वो कभी भी इस दुनिया से जा सकता है तो एक इंसान कुछ भी नहीं है वो कभी भी मर सकता है एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर यानी हर एक एक इंसान को आज नहीं तो कल मरना है बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वनस लाइफ इन एंड रिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ नथिंग इज़ मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन मोर देन टू लिव लाइफ डिड ऑफ़ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अब एक इंसान पे कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता है इज़्ज़त के साथ जीना चाहता है कि वो ऐसे ही गुजार देना चाहता है एक सबसे मतलब शर्मनाक चीज़ एक इंसान के लिए यही हो सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी बिना आत्मसम्मान के जिए ये उन्होंने बोला हमारे बी आर अम्बेडकर ने जो हमारा टॉपिक है इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज यू आर पॉबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच दियर इज़ इन इक्वैलिटी एंड वेद स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इंडिया में ही है जहाँ पर इंडिया ही एक कंट्री है जहाँ पर लोगों के साथ इनक्वैलिटी होती है कि या होती है या आ, अभी भी लोग कर रहे हैं स्ट्रगल जद वजहद कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए कि कहीं और भी ऐसा हो रहा है द ट्रूथ इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल तो ये सच ये है कि दुनिया में और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहाँ पे ये इक्वालिटी का इशू चल रहा है यानी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी इनवालीज़ एग्जिस्ट करती है सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इनक्वाली होती है और भी दुनिया में देश हैं जहाँ पे ऐसा होता है सो फॉर एग्जांपल जैसे कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी जो हमारा अमेरिका है वहाँ पर क्या होता है द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंड सिस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्राम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टू एज लार्जली अनिक्वल पहले क्या होता था कुछ जो अफ्रीका में लोग रहते थे ना तो उनको जो अमेरिका के लोग थे वो अपना मतलब स्लेव यानी अपना काम कराने के लिए लाया करते थे वहाँ से उनको अपने यहाँ पे अमेरिका तो जब यहाँ पे आते थे, थे तो वो यहीं पे उन्होंने रहना अपना स्टार्ट कर दिया तो वो यहीं पे ही मतलब अमेरिका में ही रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो यहीं के सिटीजन्स फिर हो गए वो तो क्या हो गया तो अब वो बोलते हैं जो अब उनके बच्चे हैं वहाँ पर अमेरिका में वो बोलते हैं कि अभी भी हमारी मतलब जो ये है अमेरिका के लोग हैं वो अभी भी हमें मतलब नहीं पूरा आत्मसम्मान देते हैं अभी भी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है वो अभी भी हमें हमारी जो राइट्स वगैरह अच्छे तरीके से लोग हमें नहीं देते यानी हमें इक्वल नहीं मानते अपने तो उन लोगों को हम बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन यानी पहले वो अफ्रीका में थे तो वहां से उनको लाया गया अमेरिका में दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर वॉज द मूवमेंट इन द लेट नाइनटीन फिफ्टीज टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन तो इसके बावजूद भी कि वहाँ पे इसके लिए एक मूवमेंट भी एक जद मतलब एक मूवमेंट मुहिम भी चलाई थी नाइनटीन फिफ्टी में जिसका मकसद ये था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको जो अफ्रीका से आ गए थे ना अमेरिका में लोग तो उनको इक्वल जो अमेरिकन को राइट्स मिल रहे हैं वो उनको भी राइट्स मिलें इसके बावजूद भी अभी भी उनके साथ ये इक्वालिटी होती है कहीं कहीं पे प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ तो इसके साथ साथ क्या होता था जो uh... उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा ये होता था ना भेदभाव किया जाता था और उनको इक्वल एक, नहीं माना जाता था और वहाँ का जो यूनाइटेड स्टेट्स का कानून था वो भी उनको इक्वल एक, लॉज नहीं प्रोवाइड कर रहा था इक्वल इक्वलिटी नहीं दे रहा था फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम फ्राम सीट वैन एवर फाइव पर्सन विश टू सिट यानी कि जैसे कि जब कभी वो अफ्रीकन अमेरिकन जो होते थे वो कभी बस से कहीं पर सफ़र कर रहे होते थे तो सबसे पहले वो सामने नहीं बैठ सकते थे वो उनको बस की जो पीछे वाली सीट है वहाँ पे बैठना होता था और कभी भी वो देखते कोई वाइट वहाँ से आ रहा होता था तो उनको उसको वो अपनी सीट देनी होती थी अगर नहीं देती तो उनको सज़ा मिलती थी तो अब हमें एक कहानी बताते हैं उसकी रोज़ा पार्क्स एक औरत है उसकी कहानी बताते हैं नाइनटीन थर्टी थर्टीन टू टू थाउजेंड फाइव वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमन ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमन थी यानी अफ्रीका से आई थी फिर अमेरिकन अमेरिका में ही रहने लगी तो ये वहाँ की जो इनके फोर फादर्स जो होंगे वो आए होंगे ना अफ्रीका से अमेरिका तो फिर ये वहीं पर पली पड़ी तो ये बताती हैं कि टायर्द फ्रॉम अ लॉन्ग दे एट वर्क शी रिफ्यूज़ टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू अ वाइट मैन ओन फर्स्ट दिसंबर 1955 फिफ्टी फर्स्ट दिसंबर 1955 को वो अपने काम से जब बहुत थकी हुई वापस आ रही थी तो वो बस में जब बैठी थी तो उनको वो अपनी सीट उन्होंने जो वहाँ पे एक वाइट आदमी आता है तो वो अपनी सीट उसको नहीं देती है वो बहुत ज़्यादा थकी होती है वो बोलती है मैं अपनी सीट आपको नहीं दूंगी जो कि वहाँ पर लॉ था कि आपको अपनी सीट देनी है कोई भी वाइट इंसान आएगा तो वाइट आदमी आएगा अंग्रेज़ आएगा तो उसको आपको अपनी सीट देनी है तो ये वो नहीं करती है हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्ट ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द एज द सिविल मूवमेंट तो जो इन्होंने उस टाइम वो मना किया ना उसको कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी ये यहाँ से क्या होगी एक मुहिम स्टार्ट होगी जो इनके खिलाफ जो इनके मतलब राइट्स इनको नहीं दिए जा रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन को इसके लिए एक मुहिम स्टार्ट होगी जिसको हम बोलते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट एक उन्होंने अपना एक मुहिम अपनी चलाई ताकि इनको जो राइट्स हैं इनके वो मिले जो रॉइट्स को मिल रहे हैं वही इन लोगों को भी मिले ठीक है

गया कि सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन सबके लिए सेम स्कूल्स होंगे जो कि पहले होता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके लिए अलग स्कूल्स होते थे और जो अमेरिकन है उनके लिए अलग स्कूल्स होते थे तो ये उन्होंने खत्म कर दिया उन्होंने बोला इनके लिए सबके लिए सेम स्कूल्स होंगे हावर डिस्पाइट दिस मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पोरेस्ट इन द कंट्री तो इसके बावजूद भी जो कुछ अफ्रीकन अमेरिकन है वो जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा वो गरीब है ठीक है मोस्ट अफ्रीकन African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualified teachers, as compared to white school, uh, students who either go to private schools or live in areas where the government schools are. एज़ हाईली रेटेड एज़ प्राइवेट स्कूल्स तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं भेज पाते हैं जो कि लॉ ने बताया कि आप सेम स्कूल्स में जा सकते हो लेकिन वो नहीं जा पाते हैं तो जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ता है जहाँ पर वो ऐसे गवर्मेंट स्कूल जहाँ पर टीचर्स भी अच्छे नहीं होते हैं और पूरे अच्छे तरीके से क्वालिफाइड नहीं होते हैं जो कि जिसकी वजह से वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते यानी अच्छी उनको एजुकेशन में फैसिलटीज़ नहीं मिलती हैं जो कि बाकी जो वाइट स्टूडेंट्स हैं जिनको फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी खासी मिलती हैं तो वो आगे बढ़ पाते हैं अच्छे से तो वो नहीं मिल पाती हैं अच्छे से उनको देन चैलेंज टू डेमोक्रेसी नो कंट्री कैन भी डिस्क्राइब्ड एज बिंग कम्पलीटली डेमोक्रेटिक कोई भी किसी भी कंट्री को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक है ठीक है दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुल्स ट्राइंग टू एक्सप्ल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड कुछ फॉर अ ग्रेटर रिकोगनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑन द एग्जिटिंग एज वेल एज न्यू इशूज़ तो कोई भी इक्वलिटी हम नहीं बोल सकते कोई भी कंट्री है जो पूरे तरीके से इक्वालिटी उसके अंदर होगी तो ये है कि अब हम आइडिया जो वहाँ कम्यूनिटीज़ होंगी या इंडिविजुल्स होंगे वो खुद ही अपने तो हिसाब से एक आइडिया है जो डेमोक्रसी का जो इक्वलिटी का इसको बढ़ाते हैं ठीक है आगे आगे बढ़ाते रहते और नए नए इसमें इशूज लाते रहते हैं सेंट्रल टू दिस दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेनटेन इन दिस बुक यू रीड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी इफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ डेली लाइफ इन द डेमोक्रेटिक इंडिया एज यू रेड दिस दिस चैप्टर्स थिंक अबाउट वैदर इक्वलिटी ऑफ ऑल परसन एंड दे बी एबल टू मेन्टेन द डिग्निटीज ऑफ हेल्थ तो यही यानी मतलब इस बुक में जो हम आगे भी यही मतलब इसमें हमने पढ़ा इक्वालटी के बारे में और बाकी जो बाकी चैप्टर्स में चैप्टर्स हैं उसमें भी हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक जो इंडिया इसमें अलग अलग कैसे इक्वलिटी कैसे जो डेली लाइफ है हमारी लाइफ है हमारी उसमें कैसे इक्वलिटी ये करती है न इंफ्लुंस करती है उसको या हमें मिलती है इक्वलिटी की नहीं तो इसमें सबसे पहले हमारा जो लास्ट में जो लास्ट लास्ट टॉपिक है हमारा ये आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है हमारा आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उसकी किस मजहब का है वो कहाँ से वो किस कैसा दिखता है वो उसका स्किन का कलर क्या है या वो किस जात से है या वो मर्द है या और

भाव नहीं करेगा दूसरा नो सिटीजन शैल ओन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ बी सब्जेक्ट टू एंडी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेस रेस्टोरेंट्स होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और द यूज ऑफ वेल्थ टैक्स ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट ऑफ स्टेट और डेडिकेटेड टू द द यूज ऑफ जनरल पब्लिक यानी दूसरा बताता है दूसरा जो पॉइंट है क्लॉज है वो बोलता है कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन जो इंडिया में रहने वाला वो बाकी जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा इन चीज़ों पर वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है किस मज़हब का है किस का ऐसा दिखता है या किस जात का है या वो मर्द है या औरत है या वो कहाँ पर पैदा हुआ है इन चीज़ों के ऊपर वो भेदभाव नहीं करेगा और जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में वो सारे जो भी दुकानें हैं या पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं जो लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स वगैरह हैं पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं वो सारी वहाँ पे जा सकते हैं कोई उनको रोक नहीं सकता है जो पब्लिक है ठीक है जो लोगों के लिए ये नहीं जो प्राइवेट है किसी का अपना घर है तो आप वहाँ घुसोगे आप बोलोगे ये हमें चीज़ आर्टिकल नहीं पता है आर्टिकल ये नहीं आपको बताता है आर्टिकल बोलते हैं जो पब्लिक है यानी जो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट प्लेसेस है वहाँ पे आप जा सकते हो जैसे कि आप जैसे टैंक्स वगैरह हैं बादस वगैरह हैं रोड्स वगैरह हैं जो कि पब्लिक के लिए बनाई गई है ना जो या गवर्नमेंट उसमें फ़ंड्स वगैरह देता है वो वहाँ पर आप जा सकते हो और आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अगर आपको कोई रोकेगा आप उसके शिकायत कर सकते हो और आपको फिर क्या उस इंसान को फिर सजा मिलेगी ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है थैंक यू